हाय कोडर्स, दिस इज आकाश फ्रॉम बकरिक्सा और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सीएसएस इफेक्ट्स फॉर बिगनर्स 2020। तो चलिए जल्दी से चैनल के क्विक इंट्रो के बाद जानते हैं कि आप यहाँ से क्या कुछ नया सीख सकते हैं। सो कोडर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जान लेते हैं कि एग्जैक्टली में इस वीडियो का पर्पज क्या है। तो जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते होंगे कि CSS इफेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले से ही YouTube या फिर इंटरनेट पर अवेलेबल है, पर यहाँ पर हम फिर भी इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली में इस वीडियो का जो पर्पज है वो बिगनर्स को मोटिवेट करना है, जिससे कि बिगनर्स अपनी खुद की हेल्प कर सकें। वहाँ पर ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपके इस वीडियो के जो इफेक्ट्स हैं, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई सा भी इफेक्ट्स ले सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने बिगनर्स लेवल को एडवांस लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का पर्पज है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि आपको ये रेड रेड सा बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बगल में बेल आइकन को आपको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि आपको ऑन द स्पॉट सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप अपडेटेड रहेंगे सभी वीडियोज के लिए, सभी ट्रेंड्स के लिए। सो कोडर्स, हमारा फर्स्ट इफेक्ट है लोडिंग टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कितना कूल ऑसम सा इफेक्ट है। ये देखिए, यहाँ पर पूरा ये लेटर्स पर बेस्ड है और इन्हें अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए, वैसे तो शायद ये होंगे नहीं सिलेक्ट, मुझे लगता है ये देखिए, हाँ नहीं होंगे क्योंकि एक्चुअली ये वापस से पेज के अंदर जा रहा है फिर वापस से बाहर आ रहा है। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा ऑसम है और यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ड है जो वो की फ्रेम टॉपिक पे बेस्ड है। तो अगर आप इसे खुद से बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, और आपको लगता है कि आप इससे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर कमेंट करिए, हम आपको इसका कोड देंगे, तो आप इसकी हेल्प से अपने की फ्रेम टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड CSS इफेक्ट की। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेकेंड CSS इफेक्ट है, जो कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पर जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर मूव करूंगा, ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर मूव करूंगा, ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स वाइड हो जाती हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली यहाँ पर ज्यादा कुछ खास से यहाँ पर इफेक्ट यूज नहीं किया गया, बट यहाँ पर ये जो कुछ भी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की गई वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो इस इफेक्ट को बहुत ही ज्यादा ऑसम बना देती है। तो यहाँ पर आप अपनी नॉर्मल जो प्रॉपर्टी थे CSS की, उन्हें अपने एडवांस लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड CSS इफेक्ट की। तो देखिए, ये हमारा थर्ड CSS होवर इफेक्ट है। एक्चुअली होवर इफेक्ट नहीं, ये यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से दें तो ये भी एनिमेट ही हो रहा है, तो ये भी की फ्रेम पर बेस्ड इफेक्ट है। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर एक सर्कल वापस से उसके अंदर जा रहा, फिर एक सर्कल वापस से उसके अंदर जा रहा। एक्चुअली इसका नेम ही है 3D लोडिंग एनिमेशन इफेक्ट। तो आप इससे यहाँ पर, अगर आपने पहले कभी कोई लोडिंग एनिमेशन नहीं बनाया इस तरीके का, तो आप यहाँ पर की फ्रेम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बात करें हमारे यहाँ पर फोर्थ इफेक्ट की, तो ये देखिए, यहाँ पर इसका नेम है 3D टेक्स्ट मार्किंग इफेक्ट। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए वापस से उधर जाता है हेलो वर्ल्ड और वापस से ये देखिए यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए ये काफी अच्छा है और यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस करने को मिलेगी वो आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी जो है उसमें आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये अपने CSS की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी उनको भी एडवांस लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ इफेक्ट की। तो ये देखिए हमारा CSS का फिफ्थ इफेक्ट है, जो कि यहाँ पर CSS टेनिस बॉल एनिमेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए हल्का सा शैडो दिख रहा होगा और ये देखिए बॉल भी यहाँ पर रोटेट हो रही है। ये देखिए आप यहाँ पर जो व्हाइट व्हाइट है ये देखिए रोटेट हो रही है, और ये देखिए सर्कल भी यहाँ पर अप डाउन सी हो रही है। तो एक्चुअली ये भी की फ्रेम्स पर बेस्ड है, पर आपको यहाँ पर मिक्सचर मिलने वाला है, आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी सीखने वाले हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर की फ्रेम्स पर भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सिक्स CSS एनिमेशन इफेक्ट की। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखने में तो काफी सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है CSS ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म, मतलब कि आपको अगर ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म पर प्रैक्टिस करनी है तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं।
नो मैटर आपका बिगनर लेवल है या फिर आपको सीएसएस आती भी है या नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब क्या जैसे बोलते हैं ना, शुरू में कोई सीख रहा हो तो आप उस तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे इफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम ओवर करेंगे तो देखिए ये जस्ट ब्राइटन जैसा नेम वैसे ही काम है। और ये देखिए सेकंड पे जाते हैं, ये देखिए सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए लिखा भी है डार्कन टू रेड एंड राउंड कॉर्नर्स। और ये थर्ड पर जाते हैं, ये देखिए रोटेट हो जाता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये देखिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और देखिए ये देखिए थर्ड, ये जूम इन विदाउट ओवरफ्लो, ये देखिए ओवरफ्लो नहीं हो रहा है एक्चुअली, और ये जूम इन विदाउट ओवरफ्लो हो रहा है। और देखिए ये देखिए ये भी काफी औसम है। और ये देखिए ये यहाँ पे जस्ट देखिए लग रहा है कि ये वापस से फॉल हो रहा हो, नीचे गिर रहा हो। और अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ये देखिए ये सच में ये काफी ज्यादा औसम ये वाला इफेक्ट। तो और देखिए ये देखिए एक्चुअली आप अगर इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप पहले ये बनाइए फिर ये बनाइए, और जब तक यहाँ तक पहुंचेंगे तो आप ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा फील कर चुके होंगे, काफी ज्यादा उससे फ्रेंडली हो चुके होंगे। तो आप अगर इस प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं, इस इफेक्ट के साथ जाते हैं, तो ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपकी बिगनर से एडवांस लेवल में एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगी। और बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट सीएसएस इफेक्ट की। तो ये हमारा नेक्स्ट सीएसएस इफेक्ट है जो कि आपने देख ही लिया होगा। ये देखिए जैसे पहले तो आप ये देखिए कि ये देखिए पीछे से शेडो है यहाँ पर। तो और जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ये देखिए जस्ट लाइक वाइब्रेट होता है। तो देखिए ये भी यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है। और ये देखिए इस पे देखे जाते हैं, ये भी वाइब्रेट हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए पीछे शेडो लगाना आप सीख जाएंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ ये जो वाइब्रेट की प्रॉपर्टी आप यहाँ से वो भी सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सीएसएस इफेक्ट की तरफ। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट सीएसएस इफेक्ट, जहाँ पर ये आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही होंगी, पर ये एक्चुअली सिंपल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा नॉटी बटन्स है। तो देखिए आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा, देखिए कितना औसम से यहाँ पर होवर दे रखा है, ये देखिए काफी औसम सा है। तो आप यहाँ पर काफी औसम से होवर के साथ काफी औसम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट सीएसएस एनिमेशन इफेक्ट। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट सीएसएस एनिमेशन इफेक्ट है जो कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट सीएसएस इफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट और एक तरफ पैराग्राफ। अब बैकग्राउंड आप देख सकते हैं दोनों का एक्सचेंज है। तो देखिए जैसे मैं कर्सर यहाँ पे मूव करूंगा, ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल है जो कि यहाँ पर व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। देखिए ये देखिए जस्ट देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना कूल लग रहा है, मतलब जस्ट इनक्रेडिबल। तो ये सीएसएस की पावर है। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट इफेक्ट की। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा ही सिंपल लग रहा है वैसा तो देखने में, पर ये सच में तो बहुत ही ज्यादा नॉटी है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, थोड़ा सा जेक्वेरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए अभी मैं जैसे ही अपना कर्सर मूव करूंगा, ये देखिए जस्ट लाइक कंफ्यूज कर रहा हूँ कि ये देखिए जैसे मैं दूर जाऊंगा अपने कर्सर को लेके, तो देखिए ये दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं सीएसएस के साथ तो आप इस इफेक्ट के साथ भी बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये औसम इफेक्ट है। और अब बात करते हैं हमारे एक एडवांस इफेक्ट की जो कि हमने एक बोनस लेवल के लिए रखा है। अगर आप जस्ट जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट का एक थोड़ा सा मजा लेना चाहते हैं तो आप उसको जरूर देखिए। तो देखिए जैसे ही मैं इन पिक्चर्स पर होवर करूंगा तो आप देख सकते हैं कितना औसम से यहाँ पे इफेक्ट है। ये एक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, वाइट भी हो जाती है और सारी के सारी यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली वो ऑपेसिटी कम कर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं काफी औसम सा इफेक्ट है। तो ये जो सारा कमाल है वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ही कमाल है, क्योंकि अपने आप ही ये पिक्चर्स देखिए मूव हो रही है, अपने आप ही आसपास के भी इधर से उधर जाती है, वाइड भी जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो सीएसएस है वो बहुत ही अच्छी है तो बेझिझक आप इसको बनाइए और सीखिए यहाँ पर कुछ एडवांस चीजें। तो यही था आज की हमारी इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप यहाँ से एक कोई इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उस पर अपने प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से आपका बिगनर लेवल एडवांस लेवल में कन्वर्ट होने वाला है।
तो वीडियो से जाने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। कीप लर्निंग विद द कृषा, कीप ग्रोइंग विद द कृषा।